कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए बीजेपी का जिक्र करते हैं क्योंकि आखिरकार बीजेपी के विस्तारकों के लिए मोटरसाइकिलें पहुंच गई हैं। अपने पिछले जयपुर दौरे में अमित शाह ने विस्तारकों को मोटरसाइकिल नहीं देने पर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को डांट लगाई थी। इंदिरा युग में कांग्रेस ने समन्वयकों को बाइक दी थी। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस को बीजेपी फॉलो कर रही है। ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की फटकार का असर दिखा है। शाह के जयपुर दौरे से पहले प्रदेश बीजेपी ने विस्तारकों के लिए बाइक खरीद ली है। हालांकि अभी बाइक 101 ही खरीदी गई और हर विधानसभा क्षेत्र के एक विस्तारक को ये बाइक दी जाएगी। ये बाइक बजाज कंपनी की है और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बाइक्स भी आ चुकी है। इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि इसी साल जुलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने अपने निर्देशों के तहत विस्तारकों के लिए बाइक नहीं खरीदे जाने पर नाराजगी जाहिर की थी और विस्तारकों की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया था। ये बैठक जयपुर में थी, इंदिरा गांधी के जमाने की बात थी, जब अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स के लिए बुलेट मोटरसाइकिल देने का प्रावधान किया था। उन्हें राजीव गांधी और संजय गांधी ने उस समय मोटरसाइकिल दी थी। इतिहास फिर जीवंत हुआ है, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल दे रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खुद योगेश शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी जरा लेते हैं। योगेश, क्या ये कहा जाए कि बाकायदा प्रचार की फिक्र में नहीं, फटकार के डर में बाइक्स खरीदी गई? देखिए विजेंद्र, बहुत पहले ही अमित शाह ने पूरे देश भर में विस्तारकों को बाइक देने का ऐलान किया था, लेकिन राज्य की बीजेपी का संगठन बाइक देने के अंदर काफ़ी लेट रहा और यही कारण है कि जब बीते दिनों अमित शाह जयपुर आए और विस्तारकों की बैठक ली और उन्होंने एक विस्तारक से आते ही पूछा कि क्या तुम्हें बाइक मिली, विस्तारक ने जब ना का जवाब दिया वैसे ही उनकी आंखें एकदम से तैश में आ गई, या कह सकते हैं वो बिल्कुल नाराज़ हो गए थे और उन्होंने वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ये कहा कि क्यों अब तक विस्तारकों को बाइक नहीं दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा उस वक्त बना और नाराज़गी स्पष्ट तौर पर सामने आई और तेज़ी से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अमली जामा पहनाया और आज विस्तारकों के लिए मोटर बाइक साइकिल बीजेपी के कार्यालय पहुंच गई हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये भी है कि 80 के दशक के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर अमेठी रायबरेली में देश भर के कोऑर्डिनेटर्स जब वहाँ पहुँचे थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी और इंदिरा गांधी का युग था और संजय गांधी, राजीव गांधी, अरुण नेहरू जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता उस जमाने में हुआ करते थे, जो ट्रेनिंग दिया करते थे। डीपी राय उस समय कांग्रेस पार्टी के ट्रेनिंग के इंचार्ज हुआ करते थे और अमेठी रायबरेली में जो देश भर के उस समय कोऑर्डिनेटर्स ट्रेनिंग के लिए गए थे उन सबको उस वक्त बुलेट मोटरसाइकिल दी गई थी और एक अपने आप में इतिहास है। अब बीजेपी दे रही है, कांग्रेस ये काम बहुत पहले कर चुकी है। जी बिल्कुल योगेश, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 101 मोटरसाइकिल अभी तक खरीदी गई हैं, कुल कितनी मोटरसाइकिल खरीदनी है और वो कब तक होगा? देखिए तकरीबन 180 मोटरसाइकिलों की खरीद की जानकारी है, 101 पहुंच चुकी हैं और मोटरसाइकिल्स आ रही हैं और ये मोटरसाइकिल्स अभी जिन विस्तारकों को दी जानी है वो दीर्घकालीन विस्तारक होंगे, मतलब जो लंबे समय तक तकरीबन 6 महीने तक उन क्षेत्रों में रहेंगे जहां पर चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वहां इस मोटरसाइकिल का उपयोग वो विस्तारक कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें वेतन भत्ता और तमाम वो जो ज़रूरत की जो उनकी चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन योगेश अगर महंगाई के साथ जोड़ लें, पेट्रोल के दाम के साथ छोड़ लें, तो ज़रा ये भी बताइए कि ये बाइक जिस पेट्रोल से चलेगी क्या उसको भी बीजेपी फंडिंग करेगी? बहुत अच्छा सवाल है और वाकई में ये बात सही है कि जिस बाइक पर वो सवारी करेंगे और संगठन का काम इस बाइक के ज़रिए करेंगे उसके लिए उन्हें पेट्रोल का भत्ता भी मिलेगा और इस बारे में भी पूरा एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा क्या कह सकते हैं कि प्रपत्र जो है वो विस्तारकों को दिया है, जिसके ज़रिए इस प्रपत्र के अनुसार वो एक अच्छे विस्तारक के तौर पर, अच्छे कुशल संगठनकर्ता के तौर पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र जो उन्हें मिले हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ तमाम बीजेपी संगठन की रचना का काम, चुनावी तैयारी का काम वो देखेंगे। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम।